बारिश के मौसम में सर्पदंश की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शनिवार को जिला अस्पताल में सर्पदंश के 3 मामले आए हैं। गनीमत है कि सभी मरीजों को समय पर इलाज मिलने के कारण उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन ऐसे में लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। दरअसल बारिश का पानी सांपों के बिलों में भर जाने के कारण इस मौसम में सांप बाहर निकल आते हैं और घटनाएं बढ़ जाती हैं। पहला मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम कदारी से सामने आया, जहां के रहने वाले नथू कुशवाहा की 60 वर्षीय पत्नी बेटीबाई जब घर में मिट्टी छाप रही थी, उसी दौरान जहरीले सांप ने डस लिया। परिजन पहले तो अंधविश्वास में पड़कर बेटीबाई को झाड़ फूंक के लिए ग्राम इमलिया ले गए, लेकिन जब आराम नहीं मिला तो अस्पताल ले आए। गनीमत रही कि समय रहते बेटीबाई को उपचार मिल गया। दूसरी घटना भी सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत देरी रोड की है। यहां रहने वाले 24 वर्षीय सलमान को सांप ने काटा था, जिसके बाद परिजन समझदारी दिखाकर सीधे जिला अस्पताल लाए। तीसरी घटना जिले के दूरस्थ ग्राम किशनगढ़ से सामने आई है। बताया गया है कि 35 वर्षीय नंद किशोर को एक जहरीले सांप ने डस लिया। ग्रामीण क्षेत्र होने के बाद भी नंद किशोर के परिजनों ने समझदारी दिखाई और सीधे जिला अस्पताल लेकर आए, जहाँ उसका उपचार किया गया। माटी लगा रहे थे दल्ले में। करिया सांप पहले नहीं दिखा ना हुआ, हमने माटी पटकी सो बस। माटी पटके के बाद हमने की तना यहाँ सिखा दें बा, सो बस हमने हाथ लगा वो वहाँ से उन्हें काट का। फिर कहाँ गई थी की के संगे गई थी का बताओ? अरे हम बच्चा ले गए। कहाँ पे गई थी? इमलिया। अस्पताल कैसे हैं? फिर अत झार वैसे पहले झार गाओ फिर ले आए हम जी घबराने लगो तो बोले कहाँ पे काट लो? हाँ तो मंगवाइया में। कैसे अस्पताल आ गई, कैसी अब हालत है? अब कछु अच्छा।